अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन भी बड़ा इजी है, आपके सामने लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ऐसा एज्यूम करवा रहा आपसे। हमसे कह रहा व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 kg बॉडी इफ इट इज टेकन टू अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो आपको ये तो पता है कि अर्थ की सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हो तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज होने की वजह से उसके वेट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। तो सवाल यही कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पर तो वेट ये है जो आपको लिखा हुआ है, वेट इन द सेंस यहाँ पर मास दे रखा है आपको, कितना है 120 किलोग्राम। अगर आप वेट निकालोगे तो 120 g से मल्टीप्लाई कर दो, 120 g आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे 2000 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज आएंगे। अब जितना चेंज आएगा तो उस टाइम वहां पर उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना वहां पर वेट होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है एट द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। तो कैसे निकालेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1+H/RE और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हाइट के लिए है, ठीक है, हाइट के लिए है। तो अब मुझे बताओ जी तो ऐसे ही रहने दो, 1+H की वैल्यू कितनी है, कितनी हाइट पर, यह है 2000 किलोमीटर। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर कह रखा है 6000 किलोमीटर है इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं किलोमीटर लिखूँगा, नीचे भी किलोमीटर लिखूँगा तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ठीक है, तो वो मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि मैं डायरेक्ट 2000 लिख दिया और यहाँ पर 6000, इससे ये कट जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 1+ यह 2/6, तो 2 को मैं काटूंगा, 2 को और 6 को काट सकते हैं 2 से, 2 1 2 और 2 3 6, तो ये है 1/3 और इसका स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही रहने दो, यह 3+1 4/3 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ये कह सकता हूँ जी, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 ऊपर चले जाएगा तो 9/16 इंटू जी। ये मेरे पास आ चुका है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैं वेट देखना चाहूँगा तो मैं कहूँगा वेट ऑफ द बॉडी एट 2000 किलोमीटर। यहाँ पर वेट कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी और यहाँ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एम जी डैश, ठीक है। तो मैं m ऐसे रहने दूंगा, g डैश की वैल्यू फिलहाल रख दूंगा 9/16 g, तो हो जाएगा 9/16 mg, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये 9/16 ऐसे रहेगा, मास 120 दे रखा और मुझे पता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू 9.8 होती है। अब देखो कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करो, 16 से डिवाइड करो, वैल्यू आ जाएगी 67.5। अगर मैं इसको एक काम कर लेते हैं, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं यहीं इसका मसला यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर मैंने इसमें 9.8 से मतलब जी से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मतलब जी छोड़ देता हूँ, तो ये KgF में आ जाएगा, और अगर मैं जी की वैल्यू रख के सॉल्व करता हूँ तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो मैं जी की वैल्यू को नहीं रख रहा, मैंने 9/16 रख दिया और एम रख दिया, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ KgF में आ जाएगा, किलोग्राम फोर्स में। तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 67.5 और ये आ जाएगा KgF में, किलोग्राम फोर्स। ये न्यूटन में नहीं है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ मास है, अभी KgF है, इतना फोर्स लग रहा होगा, समझ गए आप मेरे। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई ये चाह रहा है कि भाई मैं तो 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में निकालूंगा, तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, उसके लिए आज़ादी है। थैंक यू सो मच, स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना इसके अंदर कुछ खास था नहीं। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।